नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर भारतीय स्नैक की बात हो और जिक्र समोसे का ना हो कैसे संभव हो सकता है। भारतीय की पहली पसंद समोसा ही कहलाता है, लेकिन अक्सर लोगों का यह भ्रम है कि समोसा एक भारतीय पकवान है। मगर आपको हैरानी होगी सुनके कि समोसा भारतीय पकवान नहीं है। अब लोगों से जब पूछा गया तो उसका क्या कुछ कहना है, आइए जान लेते हैं। समोसे उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता, इतना पता है मैदा से समोसा है। पीते हैं, खाने का हम भी बहुत शौकीन है। सॉरी, इसलिए समोसे पे आजकल चले हैं हम लोग स्टोरी लेके। हम लिया जाएगा तो आपके हिसाब से किसका लेना चाहिए? समोसा ही बेस्ट है। समोसा भारतीय डिश है। एक्चुअली ओरिजिनली इट्स नॉट इंडियन, भारतीय नहीं है, लेकिन हमने अडॉप्ट किया है उसे और उसे थोड़ा बहुत चेंज करके हम आलू फिलिंग और पनीर फिलिंग और व्हाटएवर भिंडी फिलिंग के साथ भी खाते हैं। समोसा यह एक ऐसे डिश का नाम है जिसे सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। भारत में अधिकतर जगहों पर आपको समोसे बिकते हुए मिल जाएंगे। अधिकतर लोग इसे चाय के साथ खाना भी पसंद करते हैं, तो ऐसे में लोगों को भी कभी नहीं जो इसे छोले चटनी सब्जी या अन्य कई चीजों के साथ खाते दिख जाएंगे। ऐसे में बहुत से लोग ये कहते हैं ये मिल जाएंगे कि समोसा भारत के डिश है, लेकिन हकीकत उससे अलग है। तो आइए जानते हैं कि एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर रोज 5 से 6 करोड़ समोसे खाए जाते हैं। एक समोसे की कीमत 10 रुपए तक मानती है, तो वहीं अरबों तक का कारोबार भी होता है। बहुत से लोगों ने तो समोसे को ही अपना बिजनेस बना लिया है और उसी के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं। समोसे के बिजनेस से जुड़े स्टार्टअप भी बनने लगे हैं। समोसे का इतिहास बहुत ही पुराना है, यह मीलों दूर ईरान से बहुत पहले भारत आया था। समोसे को त्रिकोना बनाने कब शुरू हुआ इस बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसे ही डिश ईरान में पाई जाती है। फारसी में इसका नाम संबुश्क था, जो भारत आते आते समोसा हो गया। कई जगहों पर इसे और भी कहा जाता है। बिहार और पश्चिम बंगाल में इसे सिंघाड़ा कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यह पानी का फल सिंघाड़े के तरह दिखाई देता है। पहली बार समोसे का जिक्र 11वीं सदी में हुआ था। इतिहासकार अबुल फल बेहाकी के लेख में मिलता है, जिन्होंने गजनबी के दरबार में ऐसी ही नमकीन चीज का जिक्र किया था जिसमें कीमा और मावे भरे होते थे। जमाने बाद प्रवासियों के साथ साथ समोसा अफगानिस्तान होते हुए भारत पहुंचा। भारत पहुंचते पहुंचते इसमें तमाम बदलाव हुए, इसका आकार भी बदला और इसके साथ साथ में इसमें भरने वाली चीजें भी। ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी जगहों में समोसे से सूखे मेवे और फल की जगह बकरे और भेड़ के मीट ने ली, जिसने कटे प्याज के साथ साथ मिलाकर के बनाते थे। हालांकि जब समोसा भारत पहुंचा तो उसमें भरे जाने वाले मांस की जगह सब्जियों ने ले ली थी। वैसे तो आपको तमाम तरह से समोसे खाने को मिलेंगे, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित आलू भरा समोसा है। कई जगहों पर समोसे के सूखे मेवे चॉकलेट या अन्य सब्जियां डालते हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर आपको आलू भरा समोसा ही मिलेगा। 16वीं सदी में पुर्तगाली भारत आए, आलू लेकर के आए थे और उसके बाद से ही समोसे के आलू डाला जाने लगा। आलू वाले समोसे लोगों में इतने पसंद आए कि तमाम बदलाव के बावजूद आज भी लोगों को सबसे अधिक आलू वाले समोसे ही पसंद आते हैं। तो इस तरह से भारतीयों के मुंह में घुलने वाले स्वाद समोसे की कहानी ये है कि आज तक हम बोलते रहते हैं कि समोसा भारत का है। भारत में इसकी दोस्ती सिर्फ आलू से करवाई गई थी और लोगों को चटकारे का साधन बन गया था। लेकिन जिस तरीके से समोसा जो सबका प्रिय है, उसका यही एक इतिहास है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।